नमस्ते। सबसे पहले आप तमाम का मीडिया चैनल का शुक्रिया, पुलिस वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए हमारे मैसेज को आगे पहुंचाने के लिए। कल 8 जनवरी 2019 को बसव कल्याण में पंचरत्न यात्रा और प्रोग्राम होने को जा रहा है, जिसकी शुरुआत सुल्तान विलेज जो हमारा है वहां से शुरू होकर मुड़बी से जो है खानापुर इलार होते हुए सस्तापुर आएगी। सस्तापुर के बाद में जो है आटो नगर के अंदर एक हाफ ओवर का प्रोग्राम है, वहां से जो है बाइक रैली निकलेगी। अंबेडकर सर्कल से जो है बस स्टैंड होते हुए शाह हुसैन से किला गली पहुंचेगा। वहां से पद यात्रा है, फिर वहां से पद यात्रा जो शुरू होगी जो तकरीबन 4:30 के दरमियान वो अक्का माधुरी ग्राउंड पर आएगी। वहां से जो है प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम खत्म होने के बाद में अन्ना का जो है गोरखंडे में प्रोग्राम है, जहां पर नाइट वॉक अन्ना का वहीं पर होगा और दूसरे दिन वो लोग यहां से आलम के लिए जाएंगे। वहां पर मैकेनिकों का, ट्रांसपोर्टर का और जो काम करने वाले जो ट्रक ट्रांसपोर्ट के जो भी लोग काम करने वाले हैं, हमारे रहमत भाई बाडी बिल्डर के पास जो है वहां पर उनका प्रोग्राम वो रखे, वहां पर वो होगा। जो मैकेनिक लोग और ट्रांसपोर्ट फील्ड के जो लोग हैं उनकी जो भी तकलीफें हैं वो सुनाने वाले हैं। प्रोग्राम में कितने लोग आने की उम्मीद है? हमारा इरादा हमारी सोच में है 15-20 हजार लोग रहेंगे। जितने गांव है क्या आपने वहां पे इसका प्रचार किया है, किस तरह से प्रचार किया? पूरे तालुके के अंदर प्रचार हुआ है और हर तालुके हर जिले से पंचायत से जितने से लोग आने वाले हैं। क्या क्या रहेगा, किस तरह का स्वागत रहेगा? वेलकम तो हम सुल्तान में करेंगे, वहाँ पर गुलाब के फूल डालकर, फिर वहाँ से जो है आटो नगर में जुड़ कर वेलकम का प्रोग्राम, बसों के डालना बड़ा कंडीशन को गार्डन बड़ा डालकर वहाँ पर अन्ना का वेलकम करने के लिए। हैं बहुत से लोग जय होने वाले नए बच्चे हैं, मेरे पास कमेटी के लोग हैं, कई डीलर से भी बात की है, मालूम निकल अगर हो गए तो हो नहीं जाएगा। स्पेशल यही पंचरत्न के जो प्रोग्राम है वो सबसे होता है, क्योंकि पंचरत्न के प्रोग्राम के अंदर बहुत सी चीजें हैं। इंसान को जिंदगी वाले नए बच्चे हैं, मेरे पास कमेटी के लोग हैं, कई डीलर से भी बात की है, मालूम निकल अगर हो गए तो हो नहीं जाएगा। स्पेशल यही पंचरत्न के जो प्रोग्राम है वो सबसे होता है, क्योंकि पंचरत्न के प्रोग्राम के अंदर बहुत सी चीजें हैं। इंसान को जिंदगी जीने के लिए जो है रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, पंचरत्न में उससे ज्यादा है। एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, जिंदगी को लेकर, कारोबार को लेकर, फार्मिंग को लेकर, लोग जिस तरीके के जो भी दुनिया में काम करते हैं ये उसके अंदर शामिल है। आज बसों कल्याण जनता को यही मैसेज दे रहा है कि तमाम जनता से बसों कल्याण और हमारे बसों कल्याण के तालुक हमारे रखी है। पंचरत्न का प्रोग्राम, पंचरत्न का जो मैनिफेस्टो है, आप लोगों को देखकर, आपकी जिंदगी को देखकर, आपकी माशी हाल को देखकर, आप तमामों को देखकर, फार्मर को देखकर, गरीब को देखकर, एजुकेशन को देखकर, हेल्थ को देखकर, ये सब देखकर कुमार अन्ना ने पंचरत्न का प्रोग्राम 1 साल में उन्होंने तैयार किया। ये लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, आप इसमें ज्यादा से ज्यादा शामिल हो जाइए। कुमार अन्ना हमारे कुमार सोने साहब वहां पर कल आपको बताएंगे कि आपकी जिंदगियों के बारे में, एजुकेशन के बारे में, खेती के बारे में, बिजनेस कारोबार के बारे में वो आपको कल बताएंगे कि पंचरत्न के अंदर क्या है। आज हम देखेंगे बच्चों का सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप बंद कर, हमको समझ में नहीं आ रहा है। पहले ही आज नोटबंदी, जीएसटी और महंगाई का ये जो दौर चल रहा है उसके अंदर जो स्कॉलरशिप आ रही थी ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रेक कर। क्या मंशा है गरीब के बच्चे पढ़ना नहीं पढ़ना क्या करना? आज एक आदमी जा रहा है काम के लिए, महीने को 5-6 हजार मिल रहे और एक खेत में औरत जाएगी काम के लिए, महीना उसको 4 हजार रुपये मिल रहे। क्या जिंदगी करेंगे, क्या स्कूल पढ़ाएंगे,
क्या जो है बच्चों को तालीम देंगे। आपका अगर सरकार आता है, आप एमएलए बनते हैं, तो कानून लागू करेंगे पार्टी जो बीजेपी सरकार ने बंद किया है अभी, क्या आप लागू करेंगे फिर से आपका सरकार? देखिए, हमारा सरकार जो कुमारण्डा की बन रही है, इसके अंदर जो फ्री एजुकेशन दिया गया है, उनको कोई पैसे की जरूरत नहीं। एलकेजी यूकेजी से लेकर सेकंड ईयर तक जितने भी स्टूडेंट हैं गवर्नमेंट के, ये टोटल डिजिटल होंगे। हमारी गवर्नमेंट तो फ्री दे रही है, हम जो है स्कॉलरशिप नहीं दे रहे, एजुकेशन ही पूरा फ्री दे रहे। अभी बीजेपी सरकार वो बंद किया है, तो क्या मैसेज देना चाहिए सरकार? मैं गवर्नमेंट को ऐसा नहीं रिपीट होता है स्कॉलरशिप बंद करने का, तो आप सोच, जनता सोच रही, जनता देख रही है। आज मार कौन झेल रहे? जनता झेल रही है। ऊपर बैठकर ये लोग स्कीम बना रहे हैं, जनता तक नहीं आ रही है। सरेंडर का रेट आज कहाँ गया? 1200-1100 रुपए हो गया। पेट्रोल का रेट कहाँ गया? डीजल का रेट कहाँ गया? तेल का रेट कहाँ गया है? आज ट्रेन बस ट्रांसपोर्ट का टिकट कहाँ गए? इनकी गवर्नमेंट किस बुनियाद पर आई? महंगाई है बढ़कर आई 2013-14 के अंदर। क्या बढ़कर आई? प्याज सरेंडर पेट्रोल के डब्बे गले में लेकर फिरते थे, हम कम करेंगे, 35 रुपए करेंगे, 30 रुपए करेंगे, कहा गए 100 रुपए के रास्ते पे। आज एक जिंदगी जीना है तो इंसान कैसे जिएगा? जीएसटी आई, नोटबंदी आई, उसके बाद में कितनी तकलीफें हो गई, कोरोना आया, कई फार्मर को जो नुकसान हो गया, बड़े बड़े लेबरों को नुकसान हो गया, लोग कितना तकलीफ उठाए। कल कुमारस्वामी जब आएंगे यहाँ पे, तो आप अशोक कल्याण करेंगे? बसों कल्याण के डेवलपमेंट के बारे में कल आप उनके मुंह से ही सुनना, क्योंकि बाय इलेक्शन में उन्होंने बोले थे बसों कल्याण को मेडिकल कॉलेज बनाना, स्पेशल लेडीज के लिए गर्ल्स कॉलेज बनाना, फिर जो मिनी फैक्ट्रीज यहाँ पर हम डालेंगे, लोगों को काम देंगे, लोगों को घर में भी अगर कोई औरतें काम करना चाह रही है तो अच्छी स्कीम उनके लिए लेकर आएंगे, जो घर में बैठकर भी 1500 रुपए दैनिक कमाना, उनकी जिंदगी सुकून की होना, उनके बच्चों की जिंदगी सुकून की होना, ये प्रोग्राम है। पांच रतन के अंदर टोटल प्रोग्राम अगर आप उनके मुंह से सुनेंगे तो आपको मालूम होगा। मोटर जी में जो प्रोग्राम होगा वहाँ पर लोगों से मुलाकात भी होगी, प्रोग्राम भी होगा, पंच रतन के बारे में बताएंगे, उनके फ्यूचर में क्या प्लानिंग्स है, उन्होंने जो काम किया है, जो 14 महीने जब उन्होंने गवर्नमेंट में थे क्या क्या किया, जो किसानों की खर्च माफी की, ये बताएंगे, और बहुत सी चीजें हैं जो बताएंगे। सब में पहले ये पंच रतन के अंदर जो बात होनी है, एजुकेशन को लेकर फ्री, हेल्थ को लेकर भी फ्री, हर पंचायत को 30 बेड का हॉस्पिटल देना होगा, वहां पर टोटल डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे, बसों कल्याण का हॉस्पिटल भी बढ़ा देंगे, अगर कोई ऑपरेशन भी है तो बसों कल्याण में 24 घंटे जब वो सीएम बनेंगे तो संघ के टोटल औरतों की खर्च माफ कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। आज औरतें जो संघ के मजबूरी में, कोरोना के बाद में, नोटबंदी के बाद में जो तकलीफ में है, मजबूरन जाकर जो संघ के उठाए वो टोटल संघ के खर्चे जो है माफ कर पाऊंगे, फिर घर को घर देता हूँ। और जो एजुकेटेड बच्चे हैं, अगर उनको नौकरी नहीं मिल रही है और तो कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो पहले तो जो है मैं कोई कानून के खिलाफ हूँ, मेरी तमाम लोगों से अपील है, ऑटो रहे, मोटरसाइकिल रहे, या कोई भी वाहन चला रहे, तो फर्स्ट आपके पास लाइसेंस होगा, गाड़ी का इंश्योरेंस होना, आपकी सेफ्टी होना, गाड़ी की सेफ्टी होना, पेपर होना, ये रहने के बाद में पुलिस वाला आपको क्यों सताएंगे बोला, उसके बाद अगर सता रही तो हम आते लोगों की मदद कर रहे हैं, एमएलए सर को रहने दो। अब हम कई मोटरसाइकिल पकड़े तो हम भी जाते देखते हैं, पेपर नहीं, 8-7 पे पहले इंश्योरेंस खत्म है, दोस्त के नाम की मोटरसाइकिल है इधर चला रहे हैं, महाराष्ट्र की मोटरसाइकिल है कर्नाटक में, तो ये गलत है। अवाम को, जनता को मेरा क्या बोलना है, जब तुम 20-25 हजार की गाड़ी ले रहे सेकंड है, नई गाड़ी का तो 3 साल तक इंश्योरेंस बनाए तो कर नहीं आता, तुम 20-25 हजार की गाड़ी ले रहे हैं, एक 1600-1500 का इंश्योरेंस बनाओ मेरे, क्यों बनाओ? अगर खुदा न खास्ता तुमको कुछ हो गया, तुम्हारे घर तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, तुम्हारी फैमिली क्या करेंगी, कैसे जिंदगी करेंगी? अगर कुछ तुमको हो गया खुदा न खास्ता, इंश्योरेंस से 10-20 लाख रुपए मिलेंगे जो तुम्हारे खानदान के लिए, तुम्हारे घर के लिए अच्छा रहेगा, ये गलत है, सही है। हम भी हमारी सेफ्टी सोच रहा, गवर्नमेंट रोड बने चलने के लिए, चलना कैसा वो हमारे ऊपर, हमारा व्हीकल अच्छा रहेगा, इंश्योरेंस रहेगा, जो
हमारे टीडीएस पार्टी, हमारे कुमार शर्मा साहब, यही बोली साहब, हमारे जितने बड़े लीडर है, बंडप्पा अन्ना, सी एल विमान सर, बैठ कर जो है हमारी गवर्नमेंट और हमारे स्टेट की क्या तकलीफ है, लोगों की क्या तकलीफ है, आज किसान की क्या तकलीफ है, गरीब है तो उसने क्या है, मेडल है तो उसने क्या है, बड़ा है तो उसके क्या है, ये सोच कर पंचरत्न प्रोग्राम बनाया गया कि पंचरत्न प्रोग्राम आपके लिए बनाया गया। कल आप मैदान में आइए, मैदान में आकर आप सुनिए, इसकी आपकी जिंदगी से बहुत सी चीजें लगे, आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या है इसके अंदर, आपकी जिंदगी से क्या सुनेंगे। आप हर जगह वक्त मोबाइल में बिताते हैं, कट्टों पर बिताते हैं, इधर उधर बिताते हैं, जवान बच्चों से भी मेरी अपील है कि आप आज प्रोग्राम को अटेंड कीजिए और तमाम बच्चों के लिए जनता से कि ये मानी कुमार सोने सभा है, एक चीफ मिनिस्टर सभा है, आप शामिल होकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएंगे। और तमाम मेरी अवाम से भी गुजारिश है कि आप समझिए बात को और इसको जो है चार चार बना, मैं इतना ही बोलूंगा। दूसरे लोगों का देखकर तुमसे हर हर पार्टी में रहते हैं, मगर कब क्या करना है वो ही काम करते हैं, तुम भी सीखो कुछ समझो, वक्त को समझो, आराम से समझो, बात को समझकर ये रियलिटी को जो है सक्सेस करने का और ये कामयाब करने का जो है।